तो ये हूँ मैं जो कि खड़ा एक बायो वेपन के ऊपर और थोड़ी देर में इसी बायो वेपन की मदद से बनने वाला हूँ मैं सबसे वीक से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। और ये सब कैसे होने वाला है वीडियो में पता लगेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा स्टीव एसएमपी के बारे में। तो स्टीव एसएमपी मेरे सेकंड चैनल पे लाइव पे स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे लोग दो ग्रुप्स पे बढ़ जाते हैं और उन दोनों ग्रुप्स में फिर लड़ाई होती है या फिर कह सकते हो हमारे ग्रुप द्वारा उनके ग्रुप की पिटाई होती है। तो ये सब होने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे और इस पूरे इलाके में फिर मेरा राज हो जाता है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ते हो आपके काम की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ही आईफोन 14 मैक्स चाहिए, ये तो 14 है क्योंकि मैक्स में मेरा घर जाता, फिर आपको मिल सकता है वो भी सिर्फ 500 रुपए में। और वो कैसे आपको वीडियो के बीच में पता लगेगा, तो चलो शुरू करते हैं। ओपी भाई, yes, तो yes. अभी हम लोग हैं यहाँ के राजा। तो अभी जो मेरा आर्मर है ये जस्ता नहीं है मेरे पे, इसे तुम रख लो। मेरे को नहीं चाहिए घटिया आर्मर, तो नहीं ये रहना पड़ेगा क्योंकि अपना आर्मर मेरे को दो। मेरा आर्मर दो, वी आर फ्रेंड्स, तो मैं आपको दे सकता हूँ। अभी लग रहा हूँ ना मैं यहाँ का राजा हूँ। हाँ, आप पहले तो नौकर लग रहे थे मेरे, अभी आप लग रहे हो। टोपियो से उसका आर्मर लेने के बाद अब बारी थी अपने साम्राज्य के बारे में सोचने की, जो कि मैंने पहले ही सोच लिया था लेकिन किया नहीं था क्योंकि अभी ओपियो भाई करने वाले हैं वो। देखो ओपियो भाई, ये वाला घर मैंने फिक्स कर दिया है ना, ये वाला फिक्स करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये काम आप कर सकते हो। यहाँ पे एक नया बढ़िया सा घर, पूरा सभी काम मैं करूंगा, क्या क्या हेल्प करो मेरी। अच्छा लगता है कोई राजा वगैरह काम करे? लगता है भाई, काम अच्छा लगता है भाई, राजा ऐसे मोटा हो जाएगा बैठ बैठ के। अरे कोई ना, राजा जिम जाता है। इसके बाद ओपियो मेरे लिए घर भी बना देता है लेकिन हमारे बीच में लड़ाई धीरे 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 बढ़ती जाती है। वो बना दिया, कैसा लगा आपको ये मेरा हाउस छोटा मोटा? ओवरऑल अच्छा है, अच्छा है। तो इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। अरे यार सब मैं करूँगा कि तोड़ दो ना अभी ये। ओके तोड़ तोड़, गुड गुड। चलो मेरा काम हो गया, तुम कर देना इसके बाद। तो इन छोटी छोटी लड़ाइयों के बीच में एक ऐसा हादसा होता है जो कि इन छोटी लड़ाइयों को बड़े में बदल देता है। तो मैं बस ऐसे ही टहलता हुआ जा रहा था अपने घर के अंदर और वहां पे मुझे दिखता है ये क्या किया आपने? हेलो, वही किया जो करना चाहिए था, अपने तख्त पे बैठी हुई धूल को हटाया। और क्या, इतने दिनों मेरे साथ था भाई, उसको मार दिया जाके। कितने दिन में बता रहा है? डेढ़ दिन, दो दिन भाई, चार दिन भाई, सही है। वे! अबे भाई, तो यहाँ पे ओपियो ने अपने परम पूजनीय राजा जी के साथ बगावत कर दी थी जो कि शायद थोड़ी बहुत फेल हुई थी और उसके बाद वो और ज्यादा भड़क गया। हेलो, क्या हुआ, क्यों बुलाया मेरे को? डायमंड माइनिंग पे चलते हैं, थोड़े से डायमंड की कमी है अपने को। बहुत लेट हो चुके हो भाई। क्यों, डायमंड माइनिंग करके आ गया क्या? मैं अब आपकी टीम में नहीं रहा भाई, आपने खुद निकाल दिया था मेरे को। ऐसे बोल रहा है क्या ओपियो? हाँ भाई, आपने कुत्ते को मार दिया था मेरे। अच्छा कितना टाइम हुआ अभी? टाइम तो 5:15 हो रहे भाई, उधर जाए हुए कितना टाइम हुआ? आधा घंटा। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि ओपियो मजाक कर रहा है लेकिन उसका मैं बहुत ज्यादा देर तक वेट करता हूँ लेकिन वो वापस ही नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं समझ गया कि वो सच्ची बोल रहा था, नहीं आने वाला अभी, कोई दिक्कत नहीं, अकेले रह लूंगा मैं, मेरे को क्या, यहाँ पे सब कुछ है मेरे पास, जैसे कि खाना, खाना तो है नहीं, हाँ तो मैं अकेला भी रह सकता हूँ, अकेले रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले रहना होता तो मैं सिंगल प्लेयर क्यों नहीं खेल लेता। हाँ तो अभी मैं काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था तो मैं सोचता हूँ चलो अपना बल्डी एक्सप्लोर करते हैं। दिखने देना, ओ ये छोटू ने मार दिया, इसको मैं पटाऊंगा। ए रुक जा, डुचुक 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 डुचुक, चल भाई तू मेरे साथ चल, आजा आजा आजा, क्या प्यारा है ये, काश ये छोटा ही रहे हमेशा। A few minutes later. हैं? ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पे मुझे अपने अकेलेपन का साथी मिल चुका था लेकिन इससे भी मैं थोड़ी देर में ही बोर हो आता हूँ। मैं अकेला नहीं रह सकता भाई, मैं देख लिया भाई, मुझे तो थोड़ी सी देर हुई है और मैं बोर हो रहा हूँ, बुरी तरह से बोर हो रहा हूँ मैं नहीं रहने वाला अकेला, मैं जा रहा हूँ। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जहाँ कहाँ पे रहा है भाई, तो मैं जाने वाला था उस जगह पे जहाँ पे की सर्वर के सारे लोग रह रहे थे मुझे छोड़ के। तो अभी मैं तैयार हूँ अपने मिशन पे जाने के लिए, पहले जा रहा भाई रुक जा। तो मिशन अपना ये रहने वाला है कि अब मैं उनका बेस ढूंढना है कहाँ, जैसे वो रहे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अपने को उनका बेस ढूंढना है जो कि इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में, ये पता करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ओके दोस्तों, तो इस वाली डायरेक्शन में वो चीज होने वाली है, तो घोड़े पे बैठ के चलते हैं। तो घोड़े पे बहुत देर तक ढूंढने के बाद मेरे हाथ सिर्फ घोड़े की मौत का इल्जाम लगता है।
लो मर गया मेरा घोड़ा। तो उनके बेस को ढूंढने का पहला प्लान अपना फ्लॉप हो चुका था, लेकिन अब बारी थी दूसरे प्लान की। लेकिन दूसरे प्लान में एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास दूसरा प्लान ही नहीं था। ए, उठा ले रे देवा। तो इसीलिए मैं सीधा आता हूँ और उनके टीम के एक बंदे को पूछता हूँ कि कॉट्स चाहिए थे मुझे आपके जहाँ पे अभी आप रह रहे हो। आप तो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, अभी आपको कॉट्स चाहिए? हाँ चाहिए। चलो कॉट्स तो दे देता हूँ। ओके दोस्तों, पहुंच गए। हेलो, कोई है? विलेजर भी है भाई भाई भाई, क्या नहीं है इनपे? क्या मैं सही जगह पे हूँ? बीसी। अच्छा, तो स्वागत है आपका नीज भाई। हाँ थैंक यू। आ गए आप यहाँ पे? नहीं मैं अभी कहाँ आया हूँ, अभी तो मैं वहीं पे हूँ। बता दिया था मैं दीपक ने पहले से। हाँ। कोई आने वाला है भीख मांगने के लिए। क्या चाहिए आपको भीख में? मेरे को भीख में कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस जी भाई देखो, मैं उधर पे अकेला बोर हो गया था, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ। तो मेरे को आप लोगों के साथ रहना है, मतलब एक तरह रख लो स्टीवे में शांति सुझाव लेके आया हूँ आपके लिए। मुझे लगा निज भाई यहाँ लड़ाई लड़ी होगी यार, स्टीव भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? आ जाओ लड़ लेते हैं मिस्टर बॉट। आ जाओ भाई, प्रिय मित्र। मैं कौन सा रुका हूं? अरे मजाक कर रहा हूँ स्टीव भाई, बैठ जाओ। तो देखो निज भाई, सीधी बात है, हमारे पास जगह नहीं है और सिर्फ फ्लैट है आपके लिए, चाहिए आपको? नहीं आप रखे रखो अपने पास, आपके भागने के काम आएगी। आपके लिए मैं मेरे तरफ से इस महल में थोड़ा सा जगह देना चाहूंगा, आपके लिए पूरा परफेक्ट जगह यार। अगर ये नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मुझे बेइज्जती करके निकाल लेते हैं, लेकिन कोई ना भाई, नाराज थे मेरे से तो चलता ही था। तो अभी मुझे कुछ भी करके उनकी नाराजगी को हटाना था और उन्हें इम्प्रेस करना था। तो फिर मैं सोचता हूँ कि सही टाइम है, फटाफट से लो सीट और लग जाओ काम पे। हेलो। भाई आप क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे गए नहीं अभी तक यहाँ से? मैं कर रहा हूँ फार्मिंग। यहाँ पे मत करो प्लीज, आप चले जाओ भाई यहाँ से। मेरे उधर पे खेत नहीं इतने बड़े बड़े, करने दो साइड। अरे जाओ यार भाई, मत करो। तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, बस हेल्प तो करने दो कम से कम। कैसे पटाऊंगा तुमको? कोई नहीं, बताना क्यों है मेरे को, मैं लड़की खोजना हूँ। अरे मेरे को रहना है यहाँ पे, मैं नहीं जाने वाला। मैं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, देखो मैं कर रहा हूँ, आप जाओ प्लीज भाई, मानते नहीं हो, जाओ भाई। अरे रुको, तुम्हें देना था कुछ, मैं वही खा रहा हूँ फिलहाल तो। वापिस करो मेरे पे इतने ही दे। लो भाई सारे ले जाओ भाई, मेरे को रहना है यहाँ पे, क्या करूँ मैं मिस्टर बॉट? भाई फिर तो आप जाओ, स्टीव भाई को पटाने की कोशिश करो भाई। शकल से बेवकूफ लगता है, लेकिन बात इसने बिल्कुल सही कही थी, तो हमें स्टीव भाई को पटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं उनका घर जला देता हूँ। ओके, तो अभी स्टीव भाई जा रहे हैं, उनको दिख चुका है उनका घर जल रहा है। चलो चलो चलते हैं। मेरा घर जला दिया मैंने, थोड़ी ना जलाया, मेरे को बोल रहे हो खुद ही जलाया। पता नहीं जिसने जलाया है भाई, भूल गया सब, खा लिया। मोमबत्तियां जलाई हुई घर पे, इनकी वजह से जला होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, 1.19 का नया अपडेट है, हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं उनका घर जलाऊंगा, उसके बाद उनका घर बुझाऊंगा और उसके बाद वो इम्प्रेस हो जाएंगे, मुझे अपनी टीम में ले लेंगे और मैं खुश हो जाऊंगा और डिंगा चिक्का करके नाचूंगा। तो इम्प्रेस का तो पता नहीं, लेकिन उनको मेरे पे शक जरूर हो गया था। तो ये प्लान बुरी तरीके से और पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ। बंद करो स्टीवी भाई का अत्याचार, बंद करो। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 स्टीवी भाई का नहीं चलेगा अत्याचार, स्टीवी भाई नहीं रहेंगे राजा हर बार। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वाले। इधर क्या कर रहे हो आप दोनों? स्टीवी भाई तीन लोग हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नीचे बैठ जाओ चुपचाप। तो मैं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपने मेरे साथ अत्याचार किया है। मेरे को ओपीओ से पूछ के पता लगा कि जैसे ही ओपीओ यहाँ पे आया था मुझे एक टेस्ट दिया एंड मैं स्टीवी की टीम में आ गया। सिंपल, उसको एक टेस्ट दिया गया, लेकिन मेरे को जब मैं आपका रिजल्ट बताओ तो इसलिए के फायदा क्या है? फायदा है ना भाई, मैं रिजल्ट बदल के दिखाऊंगा तुम लोगों को, मेरा भी एक बार टेस्ट होना चाहिए। तो दीपू आपको टेस्ट लेने वाले हैं, टेस्ट लो इनका। दीपू भाई, ए दीपू भाई, ऐसा लेना जरूरी है क्या? आपको कुछ दे दूं तो चलेगा? अरे नहीं लेना जरूरी है, मेरे पे आर्मर है, मेरे पे एप्पल्स भी है। अरे ये तो एप्पल, बहुत पैसे है मेरे पास। ओ तेरी, इसके अंदर ही आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। मेरी पढ़ती है दीपू भाई, पता है आपको बॉर्डन से मेरी फट गई है, मेरा लास्ट टोटम है डाक भाई, प्लीज बचा लो। डाक भाई नहीं, मेरे को मार दिया इसने। टोटम तो दे दो एक, मैं मेरे पास था वो गलती से गिर गया शायद कहीं, दे दो अब मैंने आपको दे दिया होगा। अरे कहाँ से जा रहे हो, नीचे से नहीं जाना? रॉन्ग नंबर था ये। नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करो, अगर मर मरा गए तो
आपको इधर से अंदर जाना। तेरी हाँ। अरे बचाओ मेरे को बचाना पॉइंट। अरे बचाओ। ओके ओके आ रहा हूँ दीपक। क्या करूँ मारूँ मैं खोदता हूँ। ओ शिट दीपक मैं आ गया। दीपक नहीं मैं गया। ओ भाई तो आपने आपका पहला टेस्ट फेल कर दिया है पता है मुझे। नहीं पास कर दिया है। ये टेस्ट असल में कोई बहादुरी का टेस्ट था ही नहीं। तो किसका था फिर? मेरे को पीटने का नहीं, ये था आपके ईमानदारी का टेस्ट। अगर मैं फंस जाता हूँ तो आप क्या मुझे बचाने आओगे? नहीं शाबाश मतलब हाँ आऊंगा क्यों नहीं आऊंगा। इस बार भी आया तो उसी का ही टेस्ट। तो इस टेस्ट में तो मैं गलती से पास हो आता हूँ लेकिन अभी भी मैं इनके टीम का मेंबर नहीं बनता हूँ। अभी भी एक और टेस्ट बचा था। इसे देख के कुछ याद आ रहे हैं? ठीक भाई आप क्यों बैठे हो उधर पे? ये आप ही का डॉग। अरे हाँ उसे उठाओ मारो उसे। क्या मारो उसे? ठीक भाई आप पे तलवार नहीं है याद रखो। क्या बोल रहे हो? ये भी एक टेस्ट के अंदर आ। ये क्या? ये नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं। ये चीटिंग है ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ये मैंने पटाया था मेरे को मिला था इतना सा। डुचुक चल भाई तू मेरे साथ चल। आजा कितना प्यारा है ये। मैं नहीं मारने वाला। ये तो आपके ऊपर है। आपको अगर हमारे साथ आने हैं तो इसे मारना पड़ेगा। तो इस टाइम पे मेरे दिमाग में बस दो बातें आ रही थी। मारना यार प्लीज गलती से भी मत भाई। मारना यार प्लीज गलती से भी मत। गलती से भी मत मारना यार। ये आपके दिमाग का टेस्ट। दिमाग तो खराब कर दिया है। आपको इतने सारे लीवर देख रहे हो इससे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे डोर खुल जाए। ऐसे गलत कॉम्बिनेशन से जगह पूरा फट भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा दूर रहूंगा क्योंकि इधर टीएनटी लगे हैं। क्या ये कह के लेंगे वाली बात है दीपू भाई? इतना सोचने वाली बात है नहीं एक्चुअली दीपू भाई। खुल गया दीपू भाई। ये क्या था दिमाग के नाम पे दीपू भाई? ये आपका कॉमन सेंस चेक कर रहे थे। तो आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं जिनमें आप पास हो चुके हो। कल सुबह 9:30 बजे टीवी के टावर में आ जाना। जी भाई देखो आपने मेरे को जितने भी चैलेंजेस दिए मैंने सारे कंप्लीट किए तो अब मैं यहाँ पे रह सकता हूँ है ना? रह सकते हो। तो नहीं से आप अभी इधर आ चुके थे क्या? घटिया आर्मर पहन रखा आपने ये उतारो। ओके भाई इनको आर्मर दो। खोलने की जरूरत है भाई वही खोलने की। न्यू आर्मर दो। अरे इसको फेंकना है ना। ये लो आर्मर उठा रहा है ये। भाई ये क्या था? मार क्यों दिया उनको? तो मरने के बाद मैं स्पॉन होता हूँ एक ऑपरेटर के बड़े से प्रिजन में जहाँ पे ये दो गार्ड बार पहरा दे रहे थे और ये ठीक उसी जगह पे बना था जहाँ पे दीपू ने मुझसे रिस्पॉन पॉइंट सेट करवाया था। फिर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करो अगर मड़बड़ा गए तो। कौन इस गेमर? तो जैसा आपने मेरे को तंग किया था ने बाकी बंदों को तंग किया। हाँ तुम्हारे साथ मिलके। हाँ मेरे साथ मिलके आपने पूरे जो दूसरे बंदों को तंग किया अब आपको उसकी सजा मिलेगी। भाई इसको भी डालो ना साथ में यार। ये क्या है मिस्टर बॉट? तुम तो बोलो यार मुझे निकालो यहाँ से। गद्दारी गद्दारी कर रहा। निश भाई मैं क्या करूँ? जा पूछ क्या। स्ट्राइकर भाई मेरे को थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? मेरे पास खाना नहीं है मैं मर जाऊंगा। नहीं थोड़ा सा नहीं। मार ले भाई मार ले। बड़ा बो दिखा रहे मार ले भाई ले। नूब इंसान नहीं जाता इसके हर पार तीर। हेलो स्ट्राइकर बाहर जाके प्लेयर ए सस्ती प्रोवाइज। सुन मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें बस एक काम उंगली थोड़ा दिखेगी एक काम करना है मेरे लिए। बस तलवार लिया बाकी मैं इनको देख लूंगा। जल्दी जा। तो अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कौन है ये संस्कारी बालक? मेरी बात सुन क्यों मतलब सुनते तो सभी हैं लेकिन मान क्यों रहा है भाई? तो ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े से फ्लैशबैक में। कुछ टाइम पहले मैंने दीपू भाई से कोऑर्डिनेट्स लिए थे और उसी के थोड़े देर बाद टीवी भाई अनाउंस करते हैं कि उन्हें टीएसएमपी के लिए और बंदे चाहिए और फिर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ है। तो मैं उनके डिस्कॉर्ड के मैनेजर से जाके बात करता हूं और उसे कहता हूं कि जो टीवी भाई इंटरव्यू लेने वाले हैं उसमें सिर्फ एक बंदा जाएगा जो कि मेरा बंदा होगा और वो मान जाता है क्योंकि बिग फैन सर जी। तो इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एक बंदा नहीं वहाँ पे तीन बंदे आते हैं। पता नहीं ये चगू बगू कहाँ से आते हैं लेकिन अपने को क्या है अपना बंदा आ चुका है तो यही बंदा अब हमारी हेल्प करने वाला है शायद। हेलो भाई हाँ सामान दो और दो। अरे यही लाया आपने स्वर्ण मांगा था ना? सीरियसली अरे मैंने बस वो डायलॉग था मतलब सामान लाना था। आर्मर भी लाओ मैं कैसे मारूंगा? चला गया भाई। दो जल्दी दो और सामान दो ना। अरे आपने आर्मर के लिए तो बोला था आर्मर लेके आया हूँ।
उठा ले रे देवा। आप जो बोलोगे वैसे लाऊंगा। अरे तो खुद का दिमाग नहीं है क्या तेरे पे? मैं ऐसे सीधा कैसे जाऊंगा? मेरे को एप्पल वगैरह भी चाहिए, लोग मारेंगे अपने को। ठीक है ले क्या? नहीं 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 अभी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, रुक जा रुक जा। सिर्फ एप्पल नहीं लाने, ओशन लाने साथ में। मेरे पास आई नहीं रहा है बच्चे, मेरी क्या गलती है? ये लो दूध की बाल्टी, निकलो जल्दी। कोई बात नहीं। हेलो पंटर लोग। हेलो अनिश गेमर। हेलो, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, राइट हट जाओ, हमें अपना काम जो करने आया वो करने दो। अपना गोल सिंपल से है, अपने को तुम्हारे राजा का बाजा बजाने का है। लेकिन उससे पहले आपको हमसे निपटना पड़ेगा। तो दोस्तों लेट्स गो। तुम्हारे राजा जी नहीं आने वाले क्या? जरूरत आने वाले आपको। अनिश भाई हट जाओ। हमला! और हाँ, लड़ते लड़ते एक कंफ्यूजन हटा देता हूँ। मिस्टर बॉट अपने साइड आ चुका है। जब स्टीवी भाई ने मुझे धोखे से मारा तो उस टाइम पे वो अपने साइड आ चुका है। वो ये क्या है? ओ व्हाट द, ये क्या है भाई? स्टीवी भाई लैग है क्या? ये ओपी भाई खत्म। निश भाई बाकी सब मर चुके हैं, सिर्फ स्टीव भाई बचे हैं। हाँ? तो मेरे पास एक आइडिया है। ये पकड़ो आप, आओ मेरे साथ चलो। मैं जला दिया, मैंने जला दिया। फाइनली हम जीत चुके हैं ये जंग। इतना इजीली भी कैसे निश भाई?